हे एवरीवन, मैं शालिनी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आ चुका है मेरे ढोलना का थर्ड वर्जन, उसी में आज मैं आपको डांस सिखा रही हूँ। ताना ना ना तुम, ताना ना ना तुम। ठीक है, अब आपको एक ही बारी में करना है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप पहले क्या करेंगे, देखिए, राइट से नीचे लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, देन ये दो बार चलेंगे आगे। ताना ना ना तुम तुरंत करेंगे, फास्ट है। राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, और मेरा राइट वाला पैर लेफ्ट साइड को गया। राइट वाला हैंड ही आगे को झटक के आपका हाथ जाएगा लेफ्ट को, और ये हाथ, ठीक है, और पैर निकलेगा राइट वाला पीछे। तुम गर्दन भी जा रही है, देखो तुम। मैं बता रही हूँ तो आपको बहुत स्लो लग रहा होगा, बट एक बारी में है और बहुत फास्ट है, तो उसके आपकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ताना ना, बहुत फास्ट है वो। ठीक है, बैठ के उठना है, नीचे बैठ के उठना है, दोनों घुटने बैठा के। ताना ना ना तुम, फिर घूमना है। ताना ना ना तुम, आप राइट को मारो, लेफ्ट को मारो, जैसा आपको सही सीधा पड़े वैसे मारो। ताना ना ना तुम, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज उनकी अलग होगी, आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी, तो ये मत सोचिएगा कि आप पे डांस अलग लग रहा है, उन पे अलग लग रहा है, मेरे पे अलग लग रहा है। स्टेप करिए, अपने स्टाइल में करिए और कॉन्फिडेंटली करिए, ये मत सोचिए कि उनके जैसा हो रहा है। नहीं, आप अपने स्टेप भी अच्छे बढ़ा सकते हो, आप मेरे स्टेप देख के भी कर सकते हो। ये हम कह ही नहीं सकते कि हम परफेक्टली कर रहे हैं उनके जैसा, क्योंकि वो तो कितने टेक लेते हैं, बट हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से इजीली इसको कर लेंगे। ओके, तो आप कहिए ताना ना तू, फोर्थ फोर्थ वाला कैसा था। फिर से घूम के आपको हाथ ये मारना है। मैं लेफ्ट को मार रही हूँ कि मेरा सीधे लेफ्ट ही पड़ रहा है, अगर आप घूम के राइट मार सकते हो तो राइट भी मार सकते हो। ठीक है, इसके बाद ताना तेरे दे रे ना, हाथ ऊपर ये नीचे, ये आपको ये पकड़ना है जो भी पहना आपने। 1 2, राइट वाला हाथ ऊपर है, कूदना है थोड़ा सा, लेफ्ट साइड गया, लेफ्ट वाला जब जाएगा तो राइट वाला पैर पीछे जाएगा, राइट वाला जब जाएगा तो लेफ्ट वाला पैर पीछे जाएगा। ओके, हाथ अपोजिट जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, कूद के दे रे ऊपर करा हाथ, राइट देन लेफ्ट, फिर हाथ घुमा के, ये मेरा राइट वाला हाथ है, हा? ना अपने साइड पे देख लेंगे ना, ठीक है। ये हाथ देखिए, मैंने कुछ पकड़ रखा है, जो अपना पहना है वो पकड़ा है, और पैर मेरा लेफ्ट वाला बाहर को निकला है, ये राइट हाथ है, राइट कमर ना। इसके बाद आम ईजे, आप तुरंत सीधे होके ये आप पैर थोड़ा सा फैलाएंगे राइट वाला, और राइट साइड को झुकेंगे, ये अपने जो भी पहना है वो पकड़ेंगे, राइट वाला हाथ देखिए ऐसे जा रहा है, और ये आप ऐसे रख लेंगे। आम ईजे, सीधे होके कमर हिलेगी आपकी राइट वाली, और ऐसे करते करते तुमार, 1 2 3 4 5 6 7, जितने तुमार तक, ठीक है। ये बाहर को मारना है आपको, हाथ ऐसे रखना है, और ये पकड़ रखा है आपने, ठीक है। अगर आपने फ्रॉक वगैरह नहीं पहने तो आप हाथ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आपने तो जो पहना है वो पकड़ सकते हैं। 1 7,
7 8 तुम्हार शुदो जी में आपको अच्छे से पूरा हाथ ऐसे घुमा के ये करना है दोनों, ये राइट वाला ऊपर है लेफ्ट वाला नीचे है, लेफ्ट साइड को घूम रही हूँ और फिर राइट साइड को हाथ से, फिर आपको हाथ यहाँ पर को थोड़ा सा ऐसे घुमा के पीछे को जाना है, लेफ्ट साइड मेरा आपकी तरफ को लेफ्ट और पीछे को जाऊंगी मैं राइट साइड को कमर हिलाते हुए, राइट साइड की कमर हिलेगी ठीक है। शुदो जे तू मार ओके। इसके बाद मतलब कमर हिल जाओ, मैं ऐसे ऐसे करते जा रही हूँ, वो हम पीछे को करते जाएंगे और हाथ ऊपर को अच्छे से जाएगा, ये राइट वाला है ये लेफ्ट है मेरा ठीक है। आम नीचे करना है तो आपको सीधे खड़े होना है और राइट वाला पैर उठाना है, ये हाथ है ये राइट ऊपर है लेफ्ट नीचे है, आम नीचे ये करने के बाद पीछे को हाथ ले जाएंगे, ये मेरा राइट साइड आपकी को, तो मैं लेफ्ट साइड को ही जाऊंगी पीछे मार, फिर चेंज पूरे हाथ खोल के दो बार करा, फिर वन राइट वाला पैर निकालेंगे लेफ्ट साइड को ऐसे मार के घूमेंगे, फिर राइट साइड को मार के घूमेंगे, घूम के जरूरी नहीं कि आप सीधे हुए तो जहां पर भी आप होंगे वहीं से आप मुड़ जाना ओके। राइट हैंड लेफ्ट हैंड के साइड को मार के राइट साइड को घूम रही हूं मैं, 1 2 3 को मैं आपको उल्टा होकर दिखा देती हूँ, ओके ये किया आपने 1 2 पीछे से हाथ घुमा के राइट वाला हाथ घुमा के यहाँ पर रखना है, देन लेफ्ट वाला हाथ घुमा के ये रखना है।